हाय गाइस, आज अब देखने वाले हैं अपने एंड्रॉयड 12 पे कौन कौन से जो नए फीचर्स हैं और नए विजेट्स वाले जो फीचर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्या नए चेंजेस आए हैं एंड्रॉयड 12 MIUI 13 वाले, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपके जो है MIUI 30 वाला अपडेट नहीं आया है और अगर आप उसके पहले नए अपडेट क्या क्या आने वाले हैं, नए नए फीचर्स कौन से आने वाले हैं वो जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं, तो वो आप ज़रूर से चेक करें MIUI 13 के बारे में। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपने एंड्रॉयड फ़ोन का वर्जन। यहाँ पे आप जाएंगे अपने सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में आपको जाना है एंड्रॉयड एंड अबाउट, ये आपको पता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल एंड्रॉयड वर्जन 12SKQ1, यानी कि जो एंड्रॉयड वर्जन है वो यहाँ पे 12 है। यहाँ पे मैं एक और बार यहाँ पे टैप करता हूँ, सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्लियरली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है एंड्रॉयड 12, ऐसा ही क्लॉक आता है उसमें भी। तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 12 से ये जो डिवाइस है अपडेटेड है। अब यहाँ पे इसमें कौन से नए MIUI चेंजेस आए हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं यहाँ पे, बट जो भी चेंजेस आए हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें होम स्क्रीन पे, तो इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा एंड जो भी होम स्क्रीन है वो भी नए चेंजेस होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, और यहाँ पर जो भी आपके फ़ोन के सेटिंग्स होंगे उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे होम स्क्रीन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो वो आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाके यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो क्लॉक वाला जो चेंज है, तो यहाँ पे आप दो अलग अलग तरह के क्लॉक या फिर कई मल्टीपल क्लॉक्स लगा सकते हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये एंड्रॉयड 12 वाला दूसरे स्टाइल वाला ये क्लॉक है। जैसे हम इसको स्वाइप करेंगे तो इसमें एक कुछ एनिमेशन आता है, वो आप देख सकते हैं। सो ये थोड़ा सा इसमें नया चेंजेस आया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पे हम जाते हैं विजिट वाले ऑप्शंस पे, तो विजिट्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे आपको क्लॉक ऑप्शंस मिल जाते हैं। काफ़ी सारे क्लॉक ऑप्शंस क्लॉक जो है विजिट्स इसमें ऐड करी गई हैं। ये जो पहले जो 3 और 4 जो आपको दिख रही हैं, 3 जो क्लॉक हैं वो है MIUI वाली, और एक जो है इसके बाद अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक गूगल वाली क्लॉक है, एंड इसके बाद गूगल की ऑफिशियल ऐप के बाद यहाँ पे जो 3 जो आपको क्लॉक दिख रही हैं वो हैं एंड्रॉयड 12 वाली। सो यहाँ पे जैसे मैं इसको देखिए क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये वाली जो है एक ऑफिशियल जो एंड्रॉयड अपडेट में आपको दिखाया था UI टाइप में, वो यहाँ पे आपको एक क्लॉक मिल जाता है, आप इसको रख सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं सिंपली, एक और जो इसका क्लॉक वर्जन है इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, जो शायद आपको MIUI वाले जो डिवाइसेस होंगे उनमें आपको ये क्लॉक इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखिए गूगल के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनमें भी यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे अपडेट्स आए हुए हैं, और जो ऐप्स आप यूज़ करते हैं उनमें आपको विजिट्स वाले सेक्शन में जैसे आप जाएंगे यहाँ पे, तो आपको बहुत सारे जो विजिट्स होंगे वो भी आपको इसमें दिख जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे फ़ोन पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे आप स्वाइप करेंगे तो स्वाइप करने के बाद यहाँ पे मैंने गूगल कीप जो होता है, आप शायद आप जानते होंगे अगर आप यूज़ करते हैं तो, सो नोट वाली जो ऐप होती है गूगल कीप, उसके ये कुछ विजिट्स आए हैं। सो यहाँ पे ये जो विजिट्स हैं ये अडेप्टिव विजिट्स हैं, मुझे नहीं पता ये जो विजिट्स हैं ये एंड्रॉयड 12 पे ही ओनली काम करते हैं या फिर जो एंड्रॉयड अगर आप कोई और वर्जन यूज़ करें सो उसमें भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब से मैंने ये एंड्रॉयड 12 पे अपडेट आया है उसके बाद ये जो विजेट्स हैं अडेप्टिव विजेट्स हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इस विजेट्स को जैसे ही मैं यहाँ पे रिसाइज करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ और शेप है वो चेंज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये जो विजेट्स है कॉम्पैक्ट विजेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका जो साइज़ है उसके साथ साथ इसका जो UI है, UI डिज़ाइन है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इसको देखें ऊपर वाले विजिट को, इसको भी हम यहाँ पे अगर आप चेंज करेंगे तो देखिए इसको हम यहाँ पे रिसाइज करते हैं तो ये इस तरह से ये कॉम्पैक्ट विजिट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आप इसको नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। एंड देन इसके बाद और ऑप्शंस कम होते जाएंगे, आपको जितने ज़्यादा ऑप्शंस रखने हैं आप उसको उतना ही लार्ज कर सकते हैं यहाँ पे, और ज़्यादा एरिया यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ होगा, बट यहाँ पे जो UI है और जो विजिट्स है वो आपको क्लियरली और बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ना यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं नोट टेकिंग वाले, और आपको टेक्स्ट लेना है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट के लिए सिंपल ऐड बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप एक लिस्ट तैयार करना चाहते हैं तो लिस्ट के लिए आप एक राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वॉइस, सो वॉइस के थ्रू अगर आप कोई नोट ऐड करना चाहें अपने नोट वाले ऐप में तो वो आप कर सकते हैं वॉइस के थ्रू। नेक्स्ट है यहाँ पे फोटोज़ के लिए, सो कैमरा वाले आइकन पर अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप कोई भी फोटोज़ को भी ऐड कर सकते हो अपने नोट में। तो यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल फीचर है, योर बजट भी काफ़ी अच्छा है दिखने में, आप इसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी यूज़फुल फीचर लगा मुझे, और आप इसको लार्ज कर सकते हैं सो UI इसका चेंज हो जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर हम स्वाइप करें तो मैंने और विजिट्स जो है ऐड करके रखे हुए हैं, ये स्पेशली जीमेल के लिए है। सो ये आपको, अगर आप जीमेल यूज़ करते हैं, आपके पास ज़्यादा जीमेल्स आते रहते हैं, तो वो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेम जो अडेप्टिव विजिट्स होती है वो आपको इसमें मिल जाती है, जो कि आई थिंक नया है, जो कि अभी एंड्रॉयड 12 अगर आपका फ़ोन अपडेटेड है या फिर 11 भी है तो शायद आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप जो ऐप्स हैं उनको आप अपडेट करिए, एटलीस्ट जिन ऐप्स को आप यूज़ करते हैं उनको आप अप टू डेट रखिए, बिकॉज़ यहाँ पे जो नए नए चेंजेस आते हैं, नए नए यूआई चेंजेस और फीचर्स होते हैं, वो आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं जैसे ही इसको रिसाइज करता हूँ तो यहाँ पे इसका भी जो यूआई है वो यहाँ पे चेंज होता है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो अपने अकॉर्डिंग इसको जितना लार्ज करना है उतना रख सकते हैं। एंड इसको अगर हम स्मॉल करें, यानी कि इसको और कॉम्पैक्ट बनाना चाहे, तो ये इसका जो साइज़ है इतना ही कॉम्पैक्ट हो पा रहा है। और यहाँ पे इसमें सबसे सही चीज़ ये है कि यहाँ पे जो भी अलर्ट्स वगैरह होंगे या फिर जो भी ईमेल्स होंगे वो आप डायरेक्टली यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसका जो यूआई डिज़ाइन है वो काफ़ी दिखने में अच्छा भी लगता है। सो आप इन एप्लीकेशन के विजिट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट है, ये वाला जो विजिट है, ये MIUI जो गैलरी है, ऐप है, उसका ही शॉर्टकट है। तो वो भी आपको यहाँ पे, अगर आप विजिट्स में जाओगे सो यहाँ से आप अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको विजिट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, 5 या फिर कहीं 4 फ़ोटोज़ आप ऐड कर सकते हैं, जो कि टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। जो भी आपका फेवरेट कोट हो, जो भी आपकी फेवरेट इमेजेस हो, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जस्ट सिंपली इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे इस तरह से ये जो विजिट है ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी इमेज है उसको आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे वो होम स्क्रीन पे शो होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपने फ़ोन में अच्छा यूआई लुक देने के लिए अपने फ़ोन को विजिट वगैरह यूज़ करते हैं या फिर होम स्क्रीन पे जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए, यहाँ पे एक जिसका नुकसान है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो फ़ोन है अगर उसमें अच्छा प्रोसेसर या फिर कहे अच्छा रैम नहीं है, रैम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, पुराना जो सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे आपको लैग और शटर टाइप की जो चीज़ें छोटी छोटी सी देखने को मिलेगी, जैसे कि होम स्क्रीन को प्रोसेस होने में टाइम लगना। जब भी आप होम स्क्रीन पे आते हैं, जब भी आप होम स्क्रीन पे जब प्रेस करते हैं बटन, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा लोडिंग या फिर कहें बफरिंग टाइप की फील होगी। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा विजिट्स ऐड करोगे अपने फ़ोन में, तो वहाँ पे आपको बैटरी का इशू ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब कि बैटरी आपकी ज़्यादा कंज्यूम होगी। क्योंकि देखिए, ये जो है, ये सारे जो एप्लीकेशन है इनको बैकग्राउंड में ओपन रहना पड़ता है, ताकि वो आपको फ्रंट में और जो होम स्क्रीन पे और सारे जो विजिट्स हैं एप्लीकेशन की वो अप टू डेट रहे। इसके लिए जो ऐप है वो ओपन रहती है। सो इस वजह से क्या होता है कि जो भी ऐप आप यूज़ करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, उसके जो भी नए नोटिफिकेशंस आते हैं, नए अपडेट्स, यानी कि जो भी विजिट्स आप देखोगे, अगर वो लाइव है, लाइव उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो जो चीज़ है आपके फ़ोन के बैटरी थोड़ा सा कंज्यूम करेगी। सो जैसा कि मैंने पहले भी कवर किया हुआ है ऑलरेडी वीडियोज़ में, कि अगर आपके फ़ोन को आप हाई परफॉर्मेंस भी यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स उसके इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी जो बैटरी कंजप्शन है वो ज़्यादा होगी। और यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में जो CPU और RAM है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एप्लीकेशन का नंबर नहीं रखते हैं सही, या फिर ज़्यादा एप्लीकेशन आप रखते हैं, देन इससे क्या होगा, ज़्यादा बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रहेंगे एंड यहाँ पे जो बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी। एंड अगर आपको इस तरह की और भी कोई प्रॉब्लम है बैटरी से रिलेटेड और UI और लैग से रिलेटेड, तो इसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, सो वो आप ज़रूर से चेक करें। आपको शायद लिंक इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप जाके वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, सो इसके लिए चैनल पर ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ डाले हुए हैं, सो वो आप ज़रूर से चेक करें। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।